Hello friends, welcome you all to my new video. Our today's video is all about the pie chart, which is a portion of information transfer. In our today's video, we will do more exercise on pie chart. In my previous video, I have practices how to exercise how to write answer on pie chart. तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आम पाई चार्ट संबंधी आउ तीनो टी प्रश्न नहीं कि देखिबा एक्सरसाइज करिबा तो से पाई चार्ट रो जो तीनो टी नुआ प्रश्नटा नबा तहार लेखाटा केमिति हुए से विषय आज अनुध्यान करिबा तो वीडियो टी को लास्ट पर्यंत देखिबो तो आज एथिरे तीनोटी क्वेश्चन अच्छी पूर्व वीडियो रे दुईटा क्वेश्चन आम एक्सरसाइज करूँ अलमोस्ट पांचोटी क्वेश्चन पाई चार्ट उपरे तुम्हारा एक्सरसाइज हो तो आशा करी ये पांचोटी क्वेश्चन रु ही तुम्हें जदि भल भाव ये वीडियोटा को देख पूर्व वीडियोटा देख पाई चार्ट रे तुम गोटे भल भाव एक्सरसाइज हो एंड पाई चार्ट संबंधी क्लीयर कट आईडिया तुमको मिल जाव जोटा कि तुमको आगामी दिन इंग्राजी परीक्षा बहुमात्रे साय कर तो वीडियो टी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखिबो एंड लास्ट रे तुमको गोटे काम करिवा पड़ो जोटा कि मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ए वीडियो रो पीडीएफ लेखार पीडीएफ टा को लिंक रे दे देबी पीडीएफ रो लिंक टा दे देबी सेटा को डाउनलोड करी तुम निज पाखे रखि पार एंड ताकु लिखिकी रखि पार जोटा कि तुमको आगामी दिन में साय कर तो डेरी न करी वर्तमान आम जा क्वेश्चन टा ना तार एक्सरसाइज करवा तो फ्रेंड्स क्वेश्चन स्क्रीन रे अच्छी देखो कौन टा लिखा है पाई चार्ट विषय थर्ड तीन नंबर क्वेश्चन टी द पाई चार्ट बिलो शोज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट द पीपल ऑफ योर टाउन यूज टू गो टू वर्क राइट ए पैराग्राफ इंटरप्रिटिंग द इनफॉर्मेशन कंटेन इन द चार्ट तो ये प्रश्न रे दिया जाय अछि तुम अंचल रे लोक माने तुम टाउन रो लोक माने को को माध्यम रे ट्रांसपोर्ट करंती मींस यातायात करबा पई को माध्यम को से माने यूज करती एंड ता विषय गोटे पाराग्राफ लिखा तो ये चार्ट रे दिया जाए ची, देखो 20% 20% 20% ये तीनोटी 20% अच्छी इतिक 20% व्यक्ति माने यूज करुछंती मोटर बाइक पुणी अनदर 20% बाइसाइकल यूज करुछंती अनदर 20% बस यूज करुछंती 15% व्यक्ति स्कूटर यूज करुछंती 10% कार यूज करुछंती 7% ऑन फुट रे जीवासिया पादरे जीवासिया को भल पांती 5% टैक्सी यूज करती गमनागमन आउ रिमेनिंग 3% ऑटो रिक्शा यूज करती तो बर्तमान यटा को आम आंसर लिखा केमी आंसर टी तुम सामने स्क्रीन रे दिगला भल भाव देखिपार जदि दरकार पड़े तुम स्क्रीनशॉट भी नहीं जाओ आंसर रो एंड लास्ट को मुझे केतटा वर्ड रे अच्छे से लिखिदे 68 वर्ड रे ये आंसरटा होके तो निश्चित भाव तुम क्लीयर कट देखा जाऊँ तो आंसर र कौन कर स्क्रीनटा शॉट नहीं जाओ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी मुझे यार पीडीएफ टा को पीडीएफ रो लिंक टा को भी शेयर कर देबी तमे सेतरो भी तमे यूज करी परिबो तो फ्रेंड आउ गोटे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फोर नंबर क्वेश्चन को जीवा फोर नंबर क्वेश्चन भी से पाई चार्ट रिगार्डिंग अच्छी देखिए फोर नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी द फॉलोइंग पाई चार्ट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स एनिमल्स इंटरप्रिट द डेटा इन अबाउट 70 वर्ड्स तो ये पाई चार्ट रे हमें आमको दिया जाए कि लोक मानकर एटीट्यूड लोक मानकर बिहेवियर ओके एनिमल मान प्रति केमी अच्छी और एनिमल मान को नहीं कि लोक मानकर चिंताधारा को प्रकार अटे तो सीटा को आम ध्यान रखी गोटे 70 वर्ड्स रे गोटे लिखा आंसर लिखा पाई चार्ट रो इंटरप्रिट करिबा तो डेटा आमको दिगला पाई चार्ट रो डाटा दिगला 50% पीपल थॉट दैट एनिमल्स आर एक्सप्लॉइटेड फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट माने 50% लोक मानक द्वारा एनिमल माने एक्सप्लॉइट हुवंती से माने भावंती एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ देयर इंटरेस्ट से माने निजर इच्छा शक्ति को निजर एंटरटेनमेंट को से एनिमल मानक द्वारा पूर्ण करंती 25% बिलीव दैट एनिमल्स आर मैन्स स्लेव आउ रेस्ट 25% भावंती पशुपक्षी पशु मैंने मनीष मानक दास कृत दास 15% इनडिफरेंट आटीच्यूड 15% लोकंर इनडिफरेंट आटीच्यूड दैट मीन्स दे आर
not caring about what is going on or what is not. कौन हो कौन न होटा को सेने के जमा भी केयर करती ना 10% केयर फॉर एनिमल्स। तो आम जदि गोटे आकलन नवा 100% व्यक्ति 100 जन व्यक्ति भितर मात्र 10 जन व्यक्ति से माने एनिमल प्रति केयरफुल थांती, से माने एनिमल मानकर जत्न नियंती एंड से मानकु भल से खाइबा पीबा रक्षणबेक्षण करती। तो यहाँ को आधार करके आम गोटे पाई चार्ट रो इंटरप्रिट करिबा देखिबा तार आंसर टा को प्रकार अछि। आंसर टा वर्तमान तमा स्क्रीन रे अछि देखि दियो। द गिवन पाई चार्ट ब्रिंग्स फोर्थ द डिस्मल इमेज अबाउट द एटीट्यूड। डिस्मल मीन्स वेरी पुअर एंड वेरी डेरोगेटरी जोटा आम कही पारिबा। अबाउट द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स इनोसेंट एनिमल्स। इट डिपिक्ट्स दैट मैन मेनी एज 50% एनिमल्स आर एक्सप्लॉयटेड फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अनफॉर्चुनेटली 25% बिलीव्स दैट BLIEVES बिलीव्स दैट एनिमल्स आर मेन्स स्लेव्स। जस्ट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 10% पीपल केयर्स फॉर are the innocent animals and a good 15% people are indifferent towards the plight of animal. Plight koha jaye dukho ko kohiba ame durdasha ko kohiba. We should give sympathy and caring to the innocent animals. To ei prakar yara answer ta achi authore dekhi dio tame. To 5 number question ko jiba dekhiba kon achi question ta kon diaichi. The pie chart below shows the result of an opinion poll conducted by a private TV channel on the question whether India should adopt the presidential form of government. 1,000 people selected at random participated in this survey. Write a paragraph in about 70 words interpreting the information contained in it. तो ये पाई चार्ट रे गोटे रिजल्ट शो करा जाय छी। रिजल्ट हो छी कोन गोटे ओपिनियन पोल करा जाय थला लोकमानंकर मतामत निया जाय थला सेथरे पचरा जाय थला कि वेदर इंडिया शुड अडॉप्ट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन भारत रे राष्ट्रपति शासन हवा उचित कि नुहे। तो से हजार जन व्यक्ति को रैंडमली पिक करा जाय थला, सीरियली नुहे रैंडमली पिक करा जाय थला एंड से मानन ठारु मत निया जाय थला कि कौन हवा दरकार भारत रे राष्ट्रपति शासन हवा उचित कि अनुचित कि गणतंत्र शासन हवा उचित। ओके से विषय आमको कहा जाय छी एंड तार डायग्राम टा रहिला ए प्रकार 40% पीपल कहले यस इंडिया रे प्रेसिडेंशियल फॉर्म शासन हवा दरकार प्रेसिडेंशियल रूल्स चलवा दरकार। 30% लोक कहले नो एंड 25% दे कैंट से एनीथिंग। 5% डिड नॉट रेस्पोंड। तो या को आधार करके आम पैराग्राफ लिखा पैराग्राफ टी तुम सामने रहिला ए प्रकार आंसर टी देखि दियो। द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ द सर्वे कंडक्टेड बाय अ टीवी चैनल टू गेट द ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन whether India should adopt the presidential form of government. 1,000 people were selected randomly for this survey, amongst whom 40% said yes, the presidential form of government should be adopted. 30% did not support the opinion and 25% people unbelievably held that they can't say anything regarding the issue. Also, 5% did not respond at all on that question. एंड यहीटा को कम्प्लीटली 70 वर्ड्स भितर लिखाई तुमको इंस्ट्रक्शन थाए 70 वर्ड्स लिखापी। तो 5 + 5 - 5 वर्ड हो गए 65 और 75 वर्ड हेले किसी असुविधा ना सब ट्राए कर तुमको पचरा जा क्वेश्चन अनुसार तुमको आंसर देवाक पड़ो जो वर्ड में कहुई ट्राए कर वर्ड में वाइंड अप करने। तो वर्तमान तुमको स्क्रीन में देखा जाए आंसर तार स्क्रीनशॉट भी नहीं पार। वीडियो को देख सारापर सांग सहित शेयर करने को जमा भी भूलना कहीं तुम जान वर्तमान आउ मस देस पर तुम काउंसिल परीक्षा अच्छी जितक सांग अच्छा समस्त को शेयर करो जहाद्वारा कि सेने भी बेनिफिट पाई एंड जदि भी तुमको अलग कौन विषय में डाउट थाए मत कमेंट बक्स में भी तुम निजर डाउट पचारि पार एंड अलग कौन विषय में जब तुमको वीडियो भी दरकार थाए तुम सजेसन भी दे पार कमेंट बक्स तो ये भिडर गोटे लिंक PDF लिंकटा मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी सेटा को भी तुम डाउनलोड करी पारो।